नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी का मिशन 2022, 7 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार। मेहुल चौकसी के खिलाफ लिया गया एक्शन। भारत ने डोमिनिका कोर्ट में दाखिल की 2 याचिकाएं। जोशीमठ के रैंडी गांव में ग्रामीणों में भय का माहौल। इलाके में लगातार बढ़ रहा जल स्तर, लोगों की जान को है खतरा। उधमपुर सिंह नगर में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ। मंत्री अरविंद पांडे ने योजना को किया शुरू। मंत्री ने अपने सपने को किया साकार। पहाड़ों में मौसम का रेड अलर्ट। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद। नरकोजा गांव में कई घरों में घुसा मलबा। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की हलचलें भी तेज हो चुकी है। ऋषिकेश विधानसभा से विधायक रहने वाले प्रेमचंद्र अग्रवाल पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी तीखे हमले कर रहे हैं। इस बार कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही ऋषिकेश कोतवाली में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ गैर इरादतना हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाने की तहरीर दी है। वहीं इन सबके बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया। लगातार ऋषिकेश के अंदर कोविड पेशेंटों की मरीजों की संख्या बढ़ती गई और कई लोगों की कोविड से मृत्यु हुई और लगातार देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते जाइए और करोड़ों करोड़ों रुपए होर्डिंगों पे प्रदेश सरकार ने लगाए कि कोविड के नियमों का पालन। लेकिन विधायक विधानसभा के अध्यक्ष 6 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में फार्म रिसोर्ट में हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। उसके बाद भी लगातार अपने कैंप कार्यालय हो, कृष्णनगर कॉलोनी हो, तमाम सभी जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से ऋषिकेश कोविड ग्रस्त हुआ। और कई ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में हर तरीके की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। मरीजों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल काफी कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज अपने विधायक निधि से 8 एयर कूलर SPS राजकीय चिकित्सालय को समर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल को कूलर समर्पित कर विधिवत शुभारंभ भी किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के ईमानदारों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। इस प्रकार से पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सालयों में सामग्री देने का मैंने निर्णय लिया था। उसमें जो मेरा ये SPS चिकित्सालय, आप जानते होंगे जिस प्रकार से यहाँ पर अनेकों चीज़ों का जब अभाव की बात हो रही थी तो हम सबके द्वारा प्रयास किया गया। उसी कड़ी में शुरुआती तौर पर जो मेरी डॉक्टर विजय भारद्वाज जी से बात हुई थी, मैं यहाँ पे क्या मदद कर सकता हूँ, इन्होंने मेरे से 2 चीज़ की मांग की थी। इन्होंने कहा था मुझे, एक तो यहाँ पे 2 गर्मी है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने भी उस समय एक बात रखी थी कि जो कमरे वहाँ गर्मी है, इस प्रकार का कोई वाटर कूलर या नहीं है। और ऐसे ही डॉक्टर भारद्वाज साहब ने कहा कि साहब मुझे कूलर की आवश्यकता है, तो इन्होंने मुझे 8 कूलर मेरे से मांगे, 8 की घोषणा की, जिसका अभी मैंने लोकार्पण किया है, यानी कि आपको समर्पित किया है। और उसके साथ साथ एम्बुलेंस की जो आपने बात की थी, एम्बुलेंस भी बहुत जल्द। COVID-19 वैक्सीनेशन को लेकर सितारगंज ब्लॉक परिसर में DM डॉक्टर रंजना राजगुरु पहुंची। यहां DM ने कहा कि COVID-19 बचाव के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। इसके साथ लोगों से भी अपील की कि कोरोना के नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने की ज्यादा जरूरत है। DM ने वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े अधिकारियों से कहा कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से ना बच पाए। हरिद्वार के कई इलाकों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं।
आए दिन चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी पर जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर भी जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का नशा व्यापार और नशाखोरी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके संबंध में जो है विभिन्न समय के हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती रहती है और हम लोग भी जो है इसमें टास्क फोर्स गठित करा देते हैं कार्रवाई भी करते हैं। फिर जो है अभी भी कुछ इलाके में जो है काफ़ी मात्रा में ड्रग्स का जो है वो शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसका संज्ञान लेकर के जो है जरूर। जोशीमठ रैणी क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। इलाके में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। रैणी में 7 फरवरी को आई भीषण आपदा के कारण जल स्तर बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। जल स्तर के बढ़ने से ग्रामीण भयभीत है। लगातार प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी इस ओर गंभीरता से सोचा नहीं गया है, जिस वजह से घबराए ग्रामीण बार बार जल स्तर को देखकर भय में है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने चहलकदमी की थी, लेकिन अभी भी ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। ये जब यहाँ पे 7 फरवरी को ये आपदा आई थी तो तब हम लोग जो है यहाँ पे आपदा के उसमें बहुत ही भयभीत थे, डर सारे गांव वाले बच्चे सही थे वहाँ पे, डर के बारे में भागे थे जंगल में चले गए थे। मगर आज उन दिनों तो कई लोग यहाँ पे शासन प्रशासन कई लोग यहाँ पे आके गए, मगर आज तक कोई हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है। और गांव में जो दरारें पड़ी थी मकानों पे, वो दरार आज बढ़ते जा रहे हैं और हम इस बारिश की संभावना इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है तो इस बारिश में भी हम साला आज मुश्किल से जीना हो रहा है। हम शासन प्रशासन के कई ज्ञापन दे चुके हैं, कई पत्रकारों को कई दूर वालों कई खबरें हमने पहुंचा दी, मगर आज तक हमें यहाँ पे कोई सुनवाई वो नहीं आई, यहाँ पे कोई शासन प्रशासन के लोग। कलियर के बेटपुर में मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों ने ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बेटपुर में आबादी से होकर गुजर रहे मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। आरोप है कि इन ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कें टूट गई हैं और गड्ढे हो रहे हैं, जिससे उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, किनारे टूट कर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रोड के किनारे बने मकानों को भी खतरा बना रहता है। जो है घर बिल्कुल रोड से मिलता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कभी कभी 10-20 मिनट के बाद वे बाहर आते हैं। अगर कोई डंपर की चपेट में आ जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और ये जो है ना करीबन सारी रात ये जो है ना 8 बजे से लेके सुबह सारी रात तक चलते हैं डंपर, पूरी रात जो है ना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। हम ये चाहते हैं ये दूसरा रास्ता चुना जाए इनके लिए। हमारा जो है ना छोटा सा परिवार है और इस पे जो है ना इस रोड पे छोटे से रोड पे 5-6 घर लग रहे हैं। 5-6 घरों में सब में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब हर वक्त जो है ना सड़क पे आते रहते हैं। इस रोड पे जहाँ से ये मिट्टी उठा रहे हैं 3 रास्ते, उनमें से तीनों में से एक ही चुना गया है। वहीं इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कलियर से संवाददाता नौशाद जुड़ चुके हैं। तो नौशाद बताइए, ग्रामीणों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जो ये कलियर क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, यहाँ पर भारी लोड के डंपर जो जा रहे हैं वो रास्तों से होकर जा रहे हैं गांव से, जहाँ पर लोगों के घर है और वहाँ से बच्चे जैसे निकलते उन्हें अपना खतरा है, बच्चों का खतरा है और सारी सड़कें टूट चुकी है। इस तरीके से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मामला सामने आया है, इस मामले पर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आला अधिकारी अभी कोई भी इस मामले में सुध बुध नहीं ले रहे। हमने आज डीएम साहब को अवगत करा दिया गया है इस मामले में, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कलियर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां इस वक्त ग्रामीणों के लिए ओवरलोड जो वाहन है इस वक्त मुसीबत का
सबब बने हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां गदरपुर के इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आज पूरे विधि विधान से अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अक्षय पात्र योजना उनका सपना थी, उसको साकार होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा है। इस योजना के माध्यम से इस हाईटेक के किचन में गुणवत्ता युक्त गर्म और पौष्टिक भोजन मिड डे मील के लाभान्वित बच्चों को पहुंचाया जाएगा। नैनीताल जिले के ब्लॉक से में भी ये संस्था MDM के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाएगी। इसी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोरोना को देखते हुए अभी ये संस्था क्षेत्र के उन जगहों पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी जहां पर गरीब लोग मौजूद हैं। जब मैं पहली बार शिक्षा मंत्री बना तो बनते ही मैंने इस बात का महसूस किया कि हमारे अधिकांश अध्यापक बंधु इस भोजन को मेंटेन करने में, लिस्ट को, रजिस्टर को मेंटेन करने में लगे रहते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी और गुणवत्ता युक्त भोजन भी मिलने में कई बार दिक्कतें आती थी, ऐसी समस्या सुनने में आती थी। हम लोगों ने संकल्प लिया कि अक्षय पात्र योजना के माध्यम से हम सेंट्रलाइज एक किचन बनाएंगे और उस किचन के माध्यम से पौष्टिक युक्त भोजन, गर्मा गर्म भोजन बच्चों तक पहुँचाने का हमने संकल्प लिया। और जितने मैदानी ज़िले हैं प्रदेश के, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जिला, नैनीताल जिला, इन प्रत्येक ज़िलों में मैदानी जो ब्लॉक हैं उनमें हमने गर्मा गर्म भोजन बनाने के लिए अक्षय पात्र के माध्यम से हमने सेंट्रलाइज किचन लगाया, जिस कड़ी में आज गदरपुर में किचन बनकर तैयार हो गई थी। सारा व्यवस्थाएँ हमारी कम्प्लीट हैं। लेकिन बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड ने शहीद भगत सिंह चौक पर अनशन शुरू किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद यादव ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने सरकार के इशारे पर एक फरमान जारी किया था, जिसमें 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि पर रोक लगा दी गई थी। भाजपा सरकार के तानाशाही फरमान से किसान और मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को गरीब लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। समाजवादी पार्टी का आज चौथा दिन कर्मी कंसन चल रहा है। जब हमारे कर्मी कंसन को 2 दिन हो गए, उसके पश्चात बाजपुर क्षेत्र के कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गए थे। मैं उन गणमान्य से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व में जो कार्य हुआ है, मुख्यमंत्री से मुलाकात, मौखिक आदेश, आप ये सब बंद करिए, बाजपुर को छलना बंद करिए। अगर आप सही मायने में बाजपुर का भला करना चाहते हैं और बाजपुर की 5,838 एकड़ भूमि को आजाद कराना चाहते हैं तो तत्काल रूप से मुख्यमंत्री। हल्द्वानी सहित नैनीताल और कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक कुल 3,07,744 डोज वैक्सीन की लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक 45 साल के ऊपर करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 18 साल से ऊपर के युवाओं को अभी तक मात्र 36,957 डोज लगाए गए हैं। अभी भी जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जनपद को अभी तक 3,27,200 वैक्सीन डोज मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन के एक वॉयल में 10 डोज आती हैं। वॉयल को खोलने के बाद वैक्सीन की अवधि मात्र 4 घंटे की होती है। ऐसे में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में वैक्सीन खराब हो जाती है। करीब करीब 2,40,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 45 साल से ऊपर के लोग हैं और कुछ लोग 18 से 44 साल के भी हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है हमारी, लेकिन 45 प्लस के लोग, कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारा करीब 62% वैक्सीनेशन हुआ है और इसको हम लोग मोबाइल कैंप के माध्यम से भी बढ़ाने पर। ऋषिकेश में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ड्रग इंस्पेक्टर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गौहरी रेंज स्थित वन विश्राम गृह पहुंची। वृक्षारोपण करने के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की भारी कमी को देखकर वृक्षों की उपयोगिता पता चली है। उन्होंने यह भी बताया कि हम सभी को अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के वन कर्मियों को वैक्सीन भी लगाई गई। साथ ही अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले पत्रकारों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए किट भी मुहैया कराई गई। तो ऋषिकेश में आज
फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा किट दी गई है। आपको बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही वहां पर वनकर्मियों को वैक्सीन भी लगाई गई। इसके सर वन विभाग में आने का मेन पर्पज यही है कि यहाँ पे आके हम लोग कुछ प्लांटेशन करने आए हैं यहाँ पे। हम खासकर आज मेरे द्वारा यहाँ पर नींबू और आंवले का पेड़ लगाया गया, जो बहुत ज़रूरी है, और हर घर में विटामिन सी कंटेनिंग जो फ्रूट्स के पेड़ हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और दूसरा, पेड़ लगाना जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है, और आज अगर ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि हर जगह पेड़ों की जो है कटाई होने की वजह से काफ़ी कम मात्रा में वृक्ष रह गए हैं, और हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं, और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ताकि पूरे इन्वायरमेंट में रहे, सही तरीके से रहे, और ऐसी जो ऑक्सीजन की कमी वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको। ऋषिकेश के पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में एक श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो गई है। बता दें कि श्रद्धालु ने मंदिर के शिवलिंग पर 300 किलो बेसन के लड्डू का भोग लगाया, जिसका मंदिर प्रशासन ने विशेष श्रृंगार किया। श्रृंगार बेहद ही मनोहर नजर आ रहा है। माना जाता है कि यहां पहुंचकर भगवान शिव से मांगी गई सारी मुरादें पूरी होती हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु अलग अलग तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं और भोग लगाते हैं। श्री नीलगढ़ महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर श्री नीलगढ़ महादेव स्वयंभू लिंग में विराजमान है। यहाँ पर लाखों संख्या में भक्तगण आते हैं। उन्हीं में से एक भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई और उस भक्त ने श्री नीलगढ़ महादेव को 3 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया। उन लड्डुओं का हमने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उन लड्डुओं का अब हम भक्तों को प्रसाद। राजधानी देहरादून में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जहां देहरादून में सुबह तेज आंधी देखने को मिली, जिससे शहर के कई जगह पेड़ गिर गए व कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। आंधी के साथ ही बारिश भी दिखाई दी, जिससे गर्मी और उमस से कुछ लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से छोटी नदियों नालों के समीप रहने वाले लोगों को बस्तियों में सावधान रहने की सलाह दी गई है। राज्य के मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं रुद्रप्रयाग में तड़के हुई भारी बारिश से नरकोट गांव में कई घरों में मलबा घुस गया। पानी के सैलाब को देखकर ग्रामीण जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे। दूसरी तरफ खेड़ा खाल में पहाड़ी का हिस्सा टूटने से एक घर में मलबा घुस गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग घोलतीर के पास भूस्खलन के कारण भी वह मार्ग बंद पड़ गया। सरहदों की निगहबानी के लिए 341 युवा अफसरों की टोली तैयार हो चुकी है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में देश भर पर मट मिटने की शपथ लेकर ये युवा भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर ने कमांडिंग ली। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से हुई। परेड के बाद पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैंडिडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बने। इसमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। देश भर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 66 जेंटलमैन कैडेट पास होकर आउट हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है, जहां से 38 जेंटलमैन कैडेट देश की रक्षा में शामिल हुए हैं। इस तरह देश में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का राज्य है, जहां से 37 कैडेट पास आउट होकर अफसर बने हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर उत्तराखंड चार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि चार धाम के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग पिछले समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। ये सरकार से कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, और इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। गैस और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं
कि लोग रोजी रोटी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गैस किचन आपने घरेलू दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के, लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, लोग स्कूटी से चल रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।